ये अलमारी आईके की है। ये आईके है देखो, ये यार शेल्फ है। कितने स्पेस कितनी कम दी हुई है। क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन में मैं हैराज नहीं घूम सकती, ये आप लोगों को भी आइडिया होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी YouTube फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन है, हमारी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। और अभी जो है हम लोग निकले हैं, असर का टाइम है और आज जो थोड़ा बहुत जो काम है वो करना है। और आज आनी है किचन की कैबिनेट और उसके बाद जो कारपेट हमने सेलेक्ट किया था वो उन्होंने आके फिट करना है, आज सारा ये काम होगा। उसके बाद जी हमने हैराज में एक और काम है जो निपटाना है, वो ये है कि जो है बच्चों का बेड सेट देखने जाना है। आज वो वीडियोस आप लोगों के साथ होंगी शेयर, बच्चों का बेड सेट देखेंगे और बच्चों की जो है ना रूम की चीज़ें देखेंगे और रेट्स देखेंगे कि रेट्स क्या चल रहे हैं। क्योंकि जुमे जुमे का दिन जो है ना मैंने हैराज का नहीं रखा था, लेकिन कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्लैट थी, फिर जागे हुए थे सुबह के हम लोग और रात के 11 बजे तक हम लोग, यानी 9 बजे तक हम लोग हैराज में थे और किचन कैबिनेट सेलेक्ट की थी, 9 बज चुके थे। तो अदील ने कहा अब बस कर दो, अब जो है ना 9 बजे के बाद हैराज घूमना भी वो नहीं है, आसान नहीं है। क्योंकि हम सुबह के उठे हुए थे जैसे कि आप लोगों को पता है, और गर्मी में ही घूम रहे थे, पानी पी पी के पेट फुल हो चुका था, खाने की तो इतनी तलब नहीं हो रही थी जितनी प्यास लग रही थी, पसीना आ रहा था और हवा लू वाली चल रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद हमारे काम ऐसा ऐसा पूरे होते गए और हो चुके थे कंप्लीट तकरीबन। हमारा एक टारगेट था कि दो चीज़ें तो हम कम से कम कर ही लें आज के दिन, चलो तीसरी चीज़ जो है हमारी वो हम कल कर लेंगे। तो जुम्मे का इरादा नहीं था मेरा हैराज घूमने का, क्योंकि जुम्मे को क्या होता है हैराज जाना एक वो होता है कि फजूल है जुमे वाले दिन, क्योंकि एक तो रश बहुत होता है, छुट्टी का दिन होता है और उनके रेट बहुत हाई होते हैं। जहां आपको चीज़ 200 की मिलती है वहां आपको वो चीज़ 500 की मिलती है, 100-200 आपका एक्स्ट्रा चला जाता है। वही चीज़ आपको आम डेज में, वीक डेज में आपको, या थर्सडे वाले दिन भी आपको वो रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो हैराज इसीलिए अच्छी चीज़ है कि आप लोग यानी थर्सडे तक जाएं, हफ्ते को भी ना जाएं, हफ्ते को भी उनके रेट अपने होते हैं क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा घूम रहा होता है, छुट्टी का दिन होता है तो उनको जो है ना उनके नखरे नहीं मिल रहे होते और लिफ्ट भी नहीं करवाते हैं वो लोग ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कस्टमर होता है। थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि कस्टमर आप लोगों को इतने नहीं नज़र आ रहे होंगे और हम ही घूम रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे हैराज में, तो वो आगे पीछे थे हमारे कि आए ये चीज़ देख लें, प्राइस भी कम करने को तैयार थे और हमारे बजट के मुताबिक जो दो चीज़ें थी हमारी वो बजट के मुताबिक मिल गई। तो आज ज़रा मैं खुद भी घबरा रही हूँ कि जो है ना हमें अल्लाह करे मिल जाए हमारे बजट के ऊपर बच्चों का बेड सेट, क्योंकि वहाँ का जो सामान सेल हुआ है मेरा फ्लैट के साथ ही, तो यहाँ पे इस टाइम आके सेट करना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन में मैं हैराज नहीं घूम सकती। ये आप लोगों को भी आइडिया होगा, शॉपिंग करती फिरूँ मैं और छोटे बेबी के साथ और मोहम्मद बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होती है, और बच्चों का जो है बेड सेट वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चों का रूम सेट करना ज़रूरी है। तो बस इस वजह से हमने ये सारा प्लान इसलिए पहले किया और बच्चों के बगैर किया कि सुकून से हैराज घूम लें, सुकून से जो है ना सारे काम कर लें। यहाँ दो तीन काम जो यानी वो चीज़ जो ज़रूरी थी, किचन कैबिनेट मेरी सेल हो गई थी, किचन कैबिनेट को सेट करना बहुत ज़रूरी था, किचन मेन होता है घर का कि पहले वही सेट होना चाहिए।
और बच्चों का बेड सेट सेल हो गया तो वो ज़रूरी था सेट करना। बाकी ये है कि मेरा बेड सेट है, बाकी शिफ्टिंग का जो थोड़ा बहुत सामान है वो तो शिफ्टिंग के साथ ही आएगा, वो तो आ जाएगा ट्रक में, लेकिन जो सामान सेल हो चुका था उसको पहले सेट करना मेरे लिए इसी तरह घूम के इसी तरह ही मेहनत से होना था सेट, और ये ऑपरेशन के बाद ना मुमकिन था। आप लोगों को आइडिया होगा, तो बस इस वजह से हम दोनों मियाँ बीवी आए और हम अपना जो प्लान था हमारा पूरा एक बजट के मुताबिक हम लोग उसी तरह ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारा यही होता है कि जैसे प्लान है वैसे ही चलना है और प्लान के मुताबिक हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो बस क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, आप इतनी गर्मी में हैराज गई, आप इतना क्यों घूम रही हैं, आप इस हालत में क्यों घूम रही हैं। इस हालत में घूमना मुझे इजी लग रहा है क्योंकि इस हालत में एक तो शुगर भी, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने यही बोला शुगर कंट्रोल करो या शुगर में वॉक करो, तो एक किस्म का मेरा ये है कि शुगर भी मेरी कंट्रोल हो रही है इस तरह, और थोड़ा वॉक भी हो जाती है मेरी खाने के बाद, जैसे हम निकले हैं अभी तो वॉक भी हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन में ये है कि रिस्क लेना आसान नहीं होता, तो यही चीज है। और बाकी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी आपको क्या थी, अभी तो आप लोग आपने शिफ्ट तो आपने ईद पे ही करना है, ईद की छुट्टियों में हमने शिफ्ट करना है घर, तो इस वजह से कि पहले मैं अपना ये काम निपटा लूं जो मेरे हिस्से का काम था, अदील के साथ रह के सामान सेलेक्ट करना, सामान को सेट करवाना, वो जो मेरा काम था वो जिम्मे का हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब चल रहे हैं बस हैराज, पहले पुराने हैराज, आज आप लोगों को कल जो मैंने हैराज आप लोगों ने किचन कैबिनेट की वीडियोस देखी, आप लोगों ने जो कारपेट वाली वीडियोस देखी वो था हैराज न्यू वाला रियाद का बिन कासिम, और अभी ये पुराना जो ओल्ड हैराज है, पुराना हैराज और न्यू हैराज आमने सामने ही है। आज जरा मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगी पुराना हैराज भी रियाद का, वो भी दिखाऊंगी और उसके रेट भी बताऊंगी। और अच्छा कारपेट हमें पूरा पड़ा है उसके रेट में बता दूं, जैसे कारपेट हमें मोटा मिला है, अच्छा मिला है, पतला वाला कारपेट नहीं मिला, अच्छा कारपेट था, 1200 रियाल का, और 1200 रियाल का मतलब ये हो गया कि 17.5 मीटर था। और कैबिनेट भी हमें अपने बजट के हिसाब से मिली है, 1200 में पड़ी है, यानी कैबिनेट का ये है कि कैबिनेट आपको अपनी रेट पे मिल जाएगी, आपको गाड़ी अलग से करनी पड़ेगी और जो मुहंदिस होता है साथ में जोड़ने वाला कार उसको कैबिनेट को वो अलग पैसे लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट जो कल हमें मिली वो सारा इसी हिसाब में मिली कि बंदा भी हमें मिल गया और गाड़ी भी मिल गई 1200 में, यानी रेंज में आ गई हमारी, जो सामान मैंने वहाँ सेल किया उसी प्राइस में मुझे यहाँ सामान मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये था मेरा बजट कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा ऊपर ना लगे क्योंकि हमें फिर नुकसान ना हो तो सामान बेचने में खरीदने में, तो बस यही है हिसाब सारा। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी जा रहे हैं, बच्चों की शुरुआत करेंगे बच्चों के बेड सेट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि वो भी मिल जाए आसानी से। और टाइम यही अच्छा होता है हैराज का, जब भी जाएं आप लोग 3 बजे निकलें घर से, असर पढ़ के निकलें आप लोग घर से आराम से, और ना रात के 10 बजे तक हैराज होता है आप लोगों के सब पास घूमने फिरने के लिए, तो ये टाइम बेस्ट होता है। तो चलते हैं आज आप पहले जो है ना ओल्ड हैराज जाएंगे वो पहले विजिट करेंगे, मिलते हैं कुछ देर में। अच्छा जी हम लोग पहुंच चुके हैं ये ओल्ड हैराज में, ये देखिए यहाँ से जो है ना सेकंड हैंड चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये गर्मी में इन्होंने सिलेंडर रखे हुए एम्प्टी होंगे ना। हाँ ये भी है। हमने अंदर की तरफ नहीं, आगे चले, आगे आगे हैं बेड सेटों की जो है ना दुकानें, ये देखिए ये न्यू दुकानें हैं इस तरफ, और इस तरफ जो है ना इन्होंने ओल्ड चीज़ रखी हुई है, ये भी हैं बेड लेकिन ये आयरन बेड है, यहाँ से आई थिंक, हाँ यहाँ से। किचन, ये किचन की सारी शॉप्स हैं।
ये कारपेट की हैं सारी शॉप्स, इस तरफ चले। ये है बेड सेट, ये बेडों की दुकान है। हाँ, मैं बच्चों के इस दफा जो है सिंगल बेड ही लेना चाह रही हूँ। ओल्ड में भी, पहले ओल्ड में देख लेते हैं फिर न्यू वाले में देख लेंगे, जैसे है जो चीज जैसे आसानी से मिलेगी वो पकड़ लेंगे। इधर भी सिंगल बेड बहुत अच्छे रखे हुए, सिंपल लाइट। यहाँ पे भी दुकान दिया ये, यहाँ आईकिया के भी ओल्ड में आपको आईकिया के भी मिल जाते हैं, तो आईकिया के भी चॉइस हो जाती है ओल्ड में। इनके पास आए हुए होते हैं सेल के लिए, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं ओल्ड में शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। آئی کیا کہا وہ هذا نفر انا ساعتي يا باقي لا لا هذا نرفع یہ آئی کیا کی ہے نرفع هنا وهذا عاوز رف زياده هذا حق ايش هذا حق ما اعرف شو والله لو هذا ابغى اشيله هنا هو طلع طلع ما في مشكله اي هوت زي كده اوكي ما في مشكله خلي هذا تحت اوكي طلع أيوة. هذا فوق ركب رف ايوه اوكي ها غرفة كامل ما في دولاب بس غرفة كامل ايش مع هذا كم سرير واحد سرير من سرير هذا من جوا صار انا بولو سر ये कितने في كومودينو الخشب خشب هذه كم هذا 500 ريال 500 بس دولاب دولاب لحاله 500 مضبوط ہے یہ یہ بھی بچوں کی ہیں ہاں ہاں کم ہاں 400 ریال لخلف इनके पास नहीं है वाइट में ये रेड वाले जो हैं सेकेंड हैंड 500 के दे रहा है ये रेट है यहाँ पे 500 के सोफे कम आधा कम कम 600 के यहाँ जो है ना सोफे काफी रीजनेबल हैं हादा कम हादा मोहम्मद हादा कम हादा कम कुत्ता कम अयो कम 550 नहीं पर्पल तो नहीं चाहिए ये तो बहुत बड़ी मजलिस है हादी كم هذه؟ هنا؟ هنا في رف في علاك هنا في علاك هنا. أيوة. هنا علاك. السلسلة هذا برضو نفسه. كم؟ 350. 350؟ نعم. هذه هي ماري جيسي تيبل. ये भी अच्छी अलमारी है ना साफ सुथरी है ये कपड़ा नहीं चाहिए ना लकड़ी हो ना तो बंदा साफ सफाई कर लेता है लेकिन इसके पास ये सिंगल बेड रखा है ये वाला वाइट ये अलमारी आईकिया की है ये आईकिया है देखो ये शेल्फ है स्पेस कितनी कम दी हुई है कम फलूस आता इतने शरीर अभियत कम फलूस कम कम आता इतने शरीर कम
هذا 300 ريال اثنين 300 300 ريال كي دو नई दुकानें शुरू हैं यहाँ दो तीन दुकानें हैं सेकंड हैंड यहाँ पे भी देख लेते हैं अस्सलाम वालेकुम ये है ना देखो ये न्यू है सारे मैंने जो अपना बेड सेट लिया था हमने यहीं से लिया था ना हाँ यहीं इसी दुकान से लिया था बेड सेट हमने अयोध्या था सारे कम हुआ न्यू जो बेड सेट मिल रहे हैं हमें 200 का एक मिल रहा है न्यू बेड बच्चों का और सेकेंड हैंड जो है ना सेम यही चीज़ हमें साफ सुथरी मिल रही है बच्चों की 100 रियाल का बेड कितना फ़र्क आ रहा है 100 रियाल का फ़र्क आ रहा है और मुझे तीन बेड लेने हैं तो न्यू तो नहीं ले सकते 200 का एक बेड और मुझे तीन बेड लेने हैं तो न्यू वाले जो है ना बल्कि सेकेंड हैंड भी बिल्कुल सेम मिल रहे हैं साफ़ सुथरे मिल रहे हैं शेल्फ लगाएगा ना इसके अंदर अच्छा जी अब हम आए हैं न्यू वाले हैराज में न्यू वाले वहां से सामान हमने कुछ ले लिया है और वो घर रवाना हो जाएगी गाड़ी इंशाल्लाह घर में जैसे ही सामान सेट होगा आप लोगों को वो भी मैं शेयर करूंगी और आज ये जो न्यू हैराज हम आए हैं यहाँ पे भी एक काम है वो करने आए हैं ये दिखाने का मकसद ये है कि आज देखिए रश कितना है आज रश है रोड पे भी रश है और अंदर की तरफ भी रश है जबकि कल नहीं था अच्छा जी मैं आ गई हूँ घर पे और मुझे लग रही है भूख तो मैं ये चिप्स जो है ना करासोन के अंदर डाल के खा रही हूँ पुरानी यादें यहाँ जो है ना बच्चों का रूम हो रहा है सेट जब ये सेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को पूरा जो है ना लुक भी इसका दिखाऊंगी बच्चों के रूम का पूरा सेट ही वाइट में लिया है अब ये जब सेट हो जाएगा तभी पूरा दिखेगा बच्चों के जो हैं ये बेड सेट भी सेट हो चुके हैं वो कबर्ड भी सेट हो गई है और ये कबर्ड भी सेट हो गई है ये बच्चों के बेड हैं कोशिश थी मेरी कि वाइट लूँ और मेरी रेंज में आ जाएँ वाइट कलर के आ गए हैं और अच्छे मजबूत हैं ये अलमारी मुझे आईकिया की मिल गई है 150 में 150 की आई है ये और ये वाली मिली है मुझे 300 में बड़ी वाली और ये बेड आए हैं 100 के बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है पूरे घर में सिर्फ यही एक फ़ैन है और ये भी हमें जो है ना मुंह पे काफ़ी थप्पड़ मार रहा है ना गर्म हवा अदील साहब पसीना नहीं आ रहा अदील साहब बकाले से लेके आए लीची का पानी जो बकाले पूछ रहा था कि आप नए हैं इस इलाके में कहीं नए हैं क्योंकि अदील 10 बार गए हैं 10 बोतलें पानी की ठंडी लेकर आए हैं तो वो कह रहा होगा नया कस्टमर आया और बहुत बहुत खरीदारी कर रहा है बार बार आ रहा है बंदा मैंने कहा वो कहेंगे कि बार बार जो है ना बंदा आ रहा है कस्टमर नया आ गया उसके पास
पानी इतनी नेमत लग रहा है ना बहुत ज्यादा। यहाँ का बच्चों के रूम का सारा काम हो चुका है, यहाँ की कबर्ड सब कुछ लग चुकी है और यहाँ मैंने अदील की कबर जो है ना सेट करवाई है, ये भी आइकिया की है, ये भी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और ये भी हमें आइकिया की 250 में मिली है। और ये किचन की कैबिनेट भी सेट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के घर का तकरीबन काम हो चुका है, जो यहाँ का रहता था वो सारा मैंने और अदील ने 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। जैसे हमारा टारगेट था कि थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन हमारे सारे काम हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वैसे का वैसे ही हुआ है काम, जैसे हमने सोचा था और उतने में ही हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी वही है कि 2 दिन से एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, तो बस कल है मेरा डॉक्टर के पास चेकअप, वो अपॉइंटमेंट कल का दिन जो है ना अपॉइंटमेंट को दिया है, और बस इस घर का जो है लॉक वो चेंज कराना है, कल वो काम करना है, बाकी जो मेन काम थे जिस मकसद से आए थे वो सारे हो गए। अल्लाह का लाख शुक्र है, जितना शुक्र करूँ कम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतना ही हमें हिम्मत दे हौसला दे, ऐसे ही हमारे बीच में मोहब्बत प्यार रहे और ऐसे ही हमारे काम अल्लाह ताला, अच्छी नीयत हो तो सारे काम हो जाते हैं, सच्ची नीयत हो, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए हर चीज़ में, और नीयत का जो दारोमदार है सारा कुछ हर काम का, मैं कहती हूँ दारोमदार नीयत पे है। अगर नीयत अच्छी है, सच्ची नीयत है, साफ नीयत है, तो सारे काम आप लोगों के इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से हमेशा उतना ही मांगे जितना हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बस मैंने हमेशा अल्लाह से उतना ही मांगा है जितनी मेरी ज़रूरतें होती हैं, उससे ऊपर मैं नहीं को इतनी हवस रखती हूँ, ना मैं इतनी ख्वाहिश करती हूँ, बल्कि कम ही ख्वाहिश रखती हूँ, अपना बजट कम ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा अल्लाह नवाज देता है, तो ये मेरा रब का बहुत बहुत शुक्रिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस व्लॉग करूँगी ये वाला यही ख़त्म, इंशाल्लाह अब जो तैयारी होगी उस घर की होगी, पैकिंग शुरू, जैसे कि हाफ पैकिंग हुई भी है मेरी, और बाकी जो शिफ्टिंग है वो ईद पे ही होगी सारी, वो आके अदील इधर सामान उतरवाएंगे इंशाल्लाह, मेरा हुआ तो मैं आऊँगी साथ, मेरा नहीं हुआ तो मैं करूँगी रेस्ट खूब, क्योंकि अब मेरी जो जिम्मेदारी का सारा काम है वो तकरीबन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं करूँगी रेस्ट, जैसे कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि मैं अब कर लूँ रेस्ट, ठीक है। अब जो है ना बस ये व्लॉग करूँगी यही ख़त्म, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब तो बनता है दुआओं की शक्ल में और गिफ्ट की शक्ल में और जी और गुड लक की शक्ल में, मुझे लाइक भी बनता है और मुझे आप लोगों से सब्सक्राइब भी गिफ्ट बनता है, जिस पे फ्री कॉस्ट है, आप लोगों पे कॉस्ट नहीं आती है, बस आपने बटन प्रेस करना है और मुझे गिफ्ट में सब्सक्राइब दे देना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना रखिएगा, मुझे दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को इसी तरह ही दुआओं में याद रखती हूँ। जिनकी ख्वाहिश है, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं हुए हैं, मैं कहती हूँ सबकी किस्मत मेरे जैसी हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसे अदील जैसे हस्बैंड मिले, ऐसे ख्याल रखने वाले मिले, ऐसे खुश रखने वाले मिले, और जी ऐसे ही मेरी सारी बहनें ऐशो आराम करें, ऐसे ही ऐशो आराम में अल्लाह ताला उनको हर चीज़ से नवाजे, ढेरों खुशियां दे। जो बहनें मेरी कंवारी बैठी हैं, जो बेटियां कंवारी बैठी हैं, उनके रिश्ते इन खूबसूरत से खूबसूरत हों, दुनिया की हर खुशी से अल्लाह ताला नवाजे, हर सहूलत से अल्लाह ताला नवाजे, ऐसे ही घूमते फिरते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।